हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस चॉपर के ढक्कन को कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे खोलते हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो खोलने के लिए आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, इसमें तीन वैसे ही जगह बनी रहती है, इसमें पॉइंट रहते हैं जहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर को फंसा करके जरा सा उठाएंगे तो तुरंत आपका जो चॉपर है वह खुल जाएगा। और किसी किसी चॉपर में तो नट लगे रहते हैं तो उनको खोलना पड़ता है, उसके बाद वो इस तरीके से खुलता है। तो फ्रेंड, दोनों ही तरीके से आप अपने चॉपर को खोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये अंदर के आपको पार्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये टूल्स सबसे पहले तो बाहर आए हैं। उसके ऊपर का ढक्कन जैसे ही हमने निकाला, उसके बाद एक छोटा सा ढक्कन निकला, उसके बाद ये टूल्स निकले हैं, उसके बाद जो चक्री होती है, जो स्प्रिंग में सेट होती है, वो लगी हुई है। तो ये चॉपर एकदम सही है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं आपको पार्ट्स इसके दिखाना चाहती हूँ किस तरीके से ये सेट होता है, जिसकी वजह से ये चॉपर अच्छे से काम भी करता है। तो ये मैं निकाल करके दिखा देती हूँ। इसकी स्प्रिंग कुछ इस तरीके से लगी हुई होती है। तो ये देखिए, ये कहीं से भी टूटी हुई नहीं है। ये दो ही कंडीशन में काम करना बंद कर देता है, या तो इसका अंदर वाला पार्ट टूट जाए स्प्रिंग का, या कोई बाहरी वाला पार्ट टूट जाए, तब ये दो कंडीशन में काम करना चॉपर बंद कर देता है। तब इस स्प्रिंग को किस तरीके से सेट करते हैं ये चीज़ आप इस वीडियो में देख लीजिए अच्छे से, ताकि आप अपने घर के चॉपर को अच्छे से रिपेयर कर लें। तो किस तरीके से बाहर वाला सिरा मुड़ा हुआ रहता है देख सकते हैं आप, और ये कितनी लंबी होती है स्प्रिंग, उसको किस तरीके से फोल्ड करना है, किस तरीके से आपको रिपेयर करना है, अच्छे से आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये अंदर वाला सिरा भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वी शेप इसकी बनी हुई होती है। अगर टूट जाता है तो इसी शेप में आप करके अपने चॉपर को रिपेयर कर सकते हैं। जब आपकी स्प्रिंग का टूटा हुआ भाग आप सही कर ले, तो उसके बाद ये इस स्प्रिंग को उसी तरीके से फोल्ड कर दे जैसा कि आपने पहले देखा था किस तरीके से ये फोल्ड थी। तो ये देखिए, एक तरीका तो ये है, आप इसको जैसे ही खींचेंगे वैसे ही ये फोल्ड हो जाती है, और नहीं हो उसके बाद ऐसे घुमा घुमा कर आप फोल्ड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी है तो मैं इसको थोड़ा सा और खींच देती हूँ। तो ये लीजिए, ये अब हम उस ढक्कन में सेट कर देंगे जैसा कि उसमें पहले थी। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, और जैसे ही आप उसमें छोड़ेंगे ना ढक्कन में, जितना उसको फैलना होगा उस स्प्रिंग को, उतना वो फैलकर एक आकार में आ जाएगी। आपको छोटा ही फोल्डर बनाना है पहले तो बाहरी सिरे को सबसे पहले फंसाइएगा, नहीं तो आप बीच में छोड़ देंगे और बाहरी सिरे को नहीं फंसाएंगे, दोबारा से आपको ये वही चीज़ करनी पड़ेगी। और ये स्प्रिंग कुछ इस तरीके से होती है ना, जैसे ही आपने छोड़ी ना, वहीं की वहीं मतलब एकदम से उछल जाती है। तो आप दबाते हुए इसको इसमें छोड़िएगा इस तरीके से, देखिए। और अभी इसमें एक और काम करना है फ्रेंड्स। तो ये अगर आप अभी इस पॉइंट के जरिए इसको लगाना चाहेंगे तो ये नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी जो आप बीच में कील देख रहे हैं ना, और स्प्रिंग की दूरी थोड़ी बढ़ गई है ना, तो हम अभी क्या करेंगे, इस स्प्रिंग के बीच वाले हिस्से को पकड़ करके थोड़ा सा खींच देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये इसको खींच दिया, उसके बाद जैसे लगी थी ना वैसे ही इसको लगा दिया। तो ये देखिए, इससे टच हो गई है ना कील से, तो कील से टच होने के बाद अब हम चक्री में जैसे ही इसको फंसाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से ये जाएगी। ये जो पॉइंट है ना, बस इसी पॉइंट को आपको इसके अंदर की साइड को रखना है। ये आप देखिए किस तरीके से मैं रख रही हूँ, ये हम इधर उधर करते हुए करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से इसमें चली जाती है। तो जब ये अच्छे से सेट हो जाए, उल्टी विपरीत दिशा में घूमने लगे,
तो समझ लीजिए अच्छे से सेट हुई है। और उसके बाद क्या है फिर देख लीजिए, एक बार और दिखा देती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार और निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसी तरीके से घुमाते हुए लगाऊंगी। तो ये देखिए दोबारा से ये घूमने लगी है ना, बस ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हम डोरी को लपेट देंगे। हम इस डोरी को विपरीत दिशा में लपेटेंगे, जिस दिशा में ये घूम करके वापस आ रही है ना, तो उस दिशा में लपेटते हुए हम ले जाएंगे और एकदम टाइटली इसको अच्छे से कस देंगे और घुमाते हुए चक्री को इस डोरी को लपेटते जाएंगे घुमा घुमा करके, तो एकदम टाइटली ये अच्छे से कस जाएगी और चौपर अच्छे से हमारा वर्क करेगा। तो ये देखिए जितना हो सके मैं इसको अच्छे से घुमा घुमा कर लपेटती जा रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से ये कस गई है। तो आपको ये पहले कील लगा देती हूँ, उसके बाद घुमाएंगे, वरना ऐसा ना हो कि कहीं ये एकदम से फिर से बाहर आ जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगा। जो आपका टूटा चॉपर है, इसकी स्प्रिंग कहीं से भी टूटी है, तो आप इस वीडियो को देख करके बहुत अच्छे से अपने चॉपर को रिपेयर कर लेंगे। और जैसे इसके पार्ट लगे हुए थे ना शुरुआत में, वैसे ही हम सेम लगा करके इसको सेट कर देंगे। और ये देखिए ऊपर का इसका छोटा वाला ढक्कन रख देंगे। और इसके ढक्कन को भी अब हम लगा देंगे, जो इसके कील दिख रहे हैं उसमें हमें इसको रख देना है और लगा देना है। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप अपने चॉपर को इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर सही कर लेंगे। और ऐसी ही आसान वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के आसान वीडियोस मैं चैनल पर डालती रहती हूँ। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर